जी नमस्कार, जी नमस्कार नमस्कार। जी बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ झारखंड से। कांग्रेस को क्या सत्ता में ना आने देने के लिए उनके ही करीबी लोग, जिसमें एक ओवरसीज के कांग्रेस अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, तो सैम पित्रोदा जो है वो स्वर्गीय राजीव गांधी के बहुत करीबी मित्र रहे हैं। उन्होंने भारत में टेक्नोलॉजी में काफी उनका कुछ नाम भी रहा है, लेकिन इतना सब कुछ अच्छा काम करने के बाद भी भारत को भारतीय परिप्रेक्ष्य में अब तक क्यों नहीं देख पाते हैं? जैसे 1990 के दशक में भारत के भविष्य को सुधारने के लिए या टेक्नोलॉजी में आगे करने के लिए एक कंप्यूटर युग और तमाम तरह की जो वो चीजें हैं, उसी समय उदारीकरण भी आता है। 1991 में कांग्रेस की सरकार में पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं। इतना सब कुछ आप करते हैं और बाद में जब चुनाव आ जाता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी को हटाना है, और आप बीजेपी के ये उनके लिए माहौल बनाने लगते हैं, उनको मुद्दा फेंकते रहते हैं, उनके लिए उछालते रहते हैं, और वो उस मौके की तलाश में रहते हैं कि उनको कोई मुद्दा दे चुनाव के दौरान और उससे उनका काम बनता रहे। ऐसा क्यों लोग करते हैं? देखिए, आप ओवरसीज की बात किए थे ना, तो ओवरसीज है तो स्वाभाविक है कि उनका बात भी जो है कुछ उसी तरीके से होता है। देखिए, राजनीति जो बंद कमरे में जो राजनीतिक ताना बाना बुना जाता है और जो धरातल से जो ताना बाना बुना जाता है, दोनों में फर्क होता है। आपने राजीव गांधी की बात कही और राजीव गांधी के दौर में, क्योंकि विपक्ष जो भी आलोचना करे, विपक्ष है तो उसका आलोचना करना काम है, लेकिन आज की तारीख में जो कार आई थी, मारुति कार देखे होइएगा, सब कुछ जो तरह तरह का बहुत तरह की बातें हुई, जो विकास, तो कंप्यूटर उसमें कंप्यूटर अगर से कंप्यूटर की आंधी और तूफान में क्रांति तो है, हाँ कंप्यूटर क्रांति है, तो उस समय भी आलोचना करने वाले विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे थे कि भैया ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आज की तारीख में वही लोग सत्ता में आके बैठे हैं, तो फिर वही उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम बातें हो रही है। तो उस काम में राजीव गांधी की अगर इन्होंने मदद की थी सैम त्रिपोदा, तो एक मदद अलग बात है और राजनीतिक अलग बात है। क्योंकि राजनीति जो होता है तो क्या है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें क्या है कि लोग चुन के आएंगे, जो राजनीति में लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, सरकार में बैठेंगे, फिर उनका जो है नौकरशाह होते हैं, सलाहकार होते हैं, जो सलाह लेंगे उसको क्रियान्वित करेंगे, जो अच्छी बातें। तो सैम त्रिपोदा वो सब तरह का काम करे, कांग्रेस को सुझाव दे, अपनी तरफ पड़ी तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन जब वो कुछ भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलने लगते हैं ना, जब बातें तो बोलते कुछ हैं, वो कहना कुछ चाहते हैं, और उसका जो है ना कह कुछ जाते हैं, ठीक है ना। अभी ही जो बातें उन्होंने कही, तो जो राहुल गांधी ने जो बातें कही थी ना कि भैया ये देश का जो संपत्ति है, माने देश की जो पूंजी है, वो चंद 20-22 लोगों के हाथ में चली गई है, तो उसके माने धन के समान वितरण की बात कर रहे थे, संसाधन के समान वितरण की बात कर रहे थे, उसको समझने की जरूरत है। अब इन्होंने उसको भी थोड़ा विस्तार से समझाते भारत के परिपेक्ष में कि कैसे है क्या है, तो उन्होंने बात शुरू कर दी अमेरिका से, ठीक है, तो ठीक है, उनका अमेरिका से जुड़ाव रहता है, राहुल जी को भी ले जाते हैं, भाषण वगैरह करवाते रहते हैं उनको, मतलब दुनिया के नक्शे पर जो है स्थापित करने का जो होता है मामला। तो अब अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, टैक्स तो जो सामान्य टैक्स की जो व्यवस्था हुआ है ही है, विरासत टैक्स है। विरासत टैक्स की बात कब आती है, जब हम हैं दुनिया में नहीं रहे, तो जब उसके वितरण की बात आई, उस पर अधिकार की बात आई, तो जो भारत की जो परिपाटी या पूरे दुनिया की जो परिपाटी है, जो पिता का धन है उनके संतान का होगा, बाल बच्चों का होगा, उनके परिवार का होगा, तो वहां है कि नहीं भैया, वहां जो है 55% जो है, मैंने 55% सरकार ले लेती, ठीक है, वो वहां की व्यवस्था है, वहां का अपना शासन प्रणाली है, अपना ढांचा है, जो बातें चल रही है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बातें करेंगे, तो जो बातें उन्होंने अंत में की, वो जो कहना कुछ चाह रहे थे, कहे ना कि कहना ज्यादा भी जो है ना, ज्यादा राजनीति में ना कहे ना ग्रास रूट लेवल की जो बात होती है, वो एसी कमरे में
बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन जो समझने समझाने की बात होती है ना जमीन पर, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा पाए। कहना यह चाह रहे थे कि अगर कुछ इस तरीके का कानून जो संपत्ति का जो है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में न चला जाए यह देश का संसाधन, तो उसके लिए अगर कांग्रेस कुछ ऐसा कानून लाती है तो ही कानून की जो है सराहना होनी चाहिए। तमाम बातें हैं कि उस कानून में जो है आम आदमी की चिंता होगी, सिर्फ वो अमीरों की चिंता नहीं होगी। आमतौर पर क्या होता है, आप देखते होइएगा जो वामपंथी लोग हैं वो तो भारतीय लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र बोलते हैं। वो तो अभी भी कहते हैं कि भैया यहाँ जो है तो लंगड़ा लूल्हा आजादी मिला है, काना लंगड़ा टाइप का आजादी है, चलो लेकिन जो भी मिल गया तो मिल गया, तो कम से कम अब उसी को सहे, जो कुछ करो उसमें बातें आगे बढ़ा। तो ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, तो वो जो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो या खैर कल हो करके और किसी की सरकार बन जाए, तमाम लोगों के केंद्र में जो है वो है पूंजी, माने पूंजीपति वर्ग ही होते हैं। जो जो औद्योगिक घराने हैं चंद, वो कांग्रेस के समय में भी वही था, टाटा थे, बिरला थे, तमाम लोग थे। जो देश की नीतियां बनती है, जो औद्योगिक विकास की नीति हो, आयात निर्यात की नीति हो, तमाम मोर्चे पर जो नीति हो उसका फायदा कौन ले जाते हैं, प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखते हो, देखे होइएगा इसी देश में कि सवाल के बदले पैसा लेकर के सवाल पूछने का मामला संसद में उठा था ना, वो सवाल पूछवाने वाले कौन थे। होता है कि पूंजीपति लोग जो है, अब बजट आने वाला ठीक है, अब होता क्या है किस तरीके से बड़ी चालाकी से कि अब पूंजीपति जो उद्योगपति हैं उनको वो तो प्रभावित होंगे सबसे ज्यादा, आम लोग को तो जो प्रभावित होना होना है वो चूंकि करोड़ों अरबों डॉलर का खरबों का कारोबार करते हैं, तो उनके कारोबार पर कितना असर पड़ने वाला है, उनको कौन सी नीति बदलनी होगी, बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी उस पर, तो उस तरीके से वो सवाल डलवाएंगे। वो पूछेंगे कि भैया भारत का इरादा है विदेशी पूंजी निवेश को जो खुला करने का, नहीं तो कुछ इस टाइप से पूछ लिए। तो पूछ लिए तो उनसे होता क्या, मीडिया में जो पूंजी निवेश होगा विदेशी, पूछ लिया। अब अगर सरकार का जवाब आ जाता है कि हाँ ऐसे कुछ हमारी योजना है, या फिर जवाब आता है कि नहीं योजना है, तो उस अनुरूप पहले से वो प्लानिंग करने लगते हैं, उस हिसाब से तैयार हो जाते हैं। तो तमाम नीतियां वही होती थी जो अभी हो रही है, जो लेकिन आज जो पीएम मोदी जो पिछले 2 दिन 3 दिन से जो इस मुद्दे को जो राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता ने अपने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि हम 90% लोगों को जो है 10% लोगों के पास जो पूंजी है जो जमा पूंजी है जो भी आर्थिक संपन्नता है उनकी उनसे लेकर के हम 90% को दे देंगे। तो राहुल गांधी की बात और सैम पित्रोदा की बात तो मिल जा रही है कहीं ना कहीं अगर मिलाने पर देखिए तो। और जैसे ही सैम पित्रोदा ने कहा तो पीएम मोदी और तमाम भाजपा के नेता और तमाम जो एनडीए के नेता हैं इस मामले को उछाल रहे हैं कि जो हमने जो बात कही थी वो उसी उसी तरह के आधार पर कही थी। अच्छा, दूसरी बात लेकिन देखने वाली यह भी है कि आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका की तरह लोग पहले भारतीय संपन्न तो हों। आप जिस 90% की बात कह रहे हैं और 10% में जो बांटने की बात कह रहे हैं तो 10% भी वही लोग हैं जैसे आज की तारीख में भारत में 6 करोड़ लोग के आसपास जो है इनकम टैक्स पेयर हैं। तो 6 करोड़ लोग भी अगर हम मानते हैं तो जनसंख्या है भारत की लगभग 140-150 करोड़ के आसपास हो गई है। तो 6 दहाकों अगर 60 करोड़ भी होता है तो उसमें वो कहीं नहीं आते हैं। तो 6 करोड़ में कौन लोग हैं आखिर? वो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो 24 घंटा में 18 घंटा मेहनत करते हैं। वो सरकारी नौकर भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनियों में काम कर सकते हैं, जो घर द्वार बेच करके पढ़ाई लिखाई किए होंगे उन उनसे आप कह रहे हैं कि हम लेकर के दे देंगे। नहीं तो महाराजाओं की अगर भी बात होगी तो महाराजाओं की बात तो आप कांग्रेस का शासन में लगभग 60 साल रहे हैं तो ये काम पहले भी कर सकते थे। जी, नहीं क्या नहीं देखिए बात कुल मिला के आप जो मेरे बातें हो सवाल रही क्या आप है, मेरे सवाल को समझ पाए? हम एकदम समझ रहे हैं। हम जो कह रहे हैं ना बातें कुल मिला के, आप जहां आ रहे हैं कि भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया या दे दिया, लेकिन आपकी असल चिंता जो है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं या फिर अमेरिका का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं, तो वो जो धन के समान वितरण की बात हो रही है, तो क्या वह बात संभव है? क्या भारतीय संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, करी गई है कि
ठीक है, आप उसके लिए कानून लाएंगे तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कानून लाने की स्थिति में आप होंगे? इस तरह का जो कानून आएगा तो ऐसे तो नहीं है कि सामान्य सरकार बना लेगी, कुछ हो जाएगी, कुछ बातें हो जाएगी। तो कुल मिला के, और अगर आपको कानून सचमुच बनाना ही है, आप जो कह रहे हैं वो अगर आपको कहना ही है, वो लोगों को सिर्फ भरमाने फुसलाने के लिए नहीं है, तो आप राहुल गांधी ही आज के तारीख में जो जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो जाति गणना की बात कर रहे हैं, तमाम बातें जो हो रही है, तो भैया आपके कांग्रेस का जो इतना लंबा शासन रहा है, आप देखे ना कि बीपी सिंह की सरकार आई थी तब ना मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब बनी थी? वो जो आरक्षण का आप दायरा तोड़ने की बात कर रहे हैं कि 50% का दायरा है उसको तोड़ देंगे, तो तमाम जो बातें हैं आपकी सरकार रही है उसमें क्या थी, उसमें कहाँ कर रहे थे और आप क्या कर रहे थे, तो सब तो जांचा परखा है ना। तो कुल मिला के जिस तरीके से आप देखिएगा कि भाजपा जो नारा, यही नरेंद्र मोदी 2014 में जो नारा लगा रहे थे और जो बातें कह रहे थे, क्या वह उस बातों का तुलनात्मक रूप से फिर उसकी तुलना करके 1920 से 1919 में उन्होंने कहा, नहीं कहा? और फिर जो 24 का चुनाव हो रहा है, क्या फिर 1914 से लेकर 2019 तक, मैंने 14 में जो बातें कही, 19 में जो बातें कही, क्या उन बातों को फिर सामने रख के कुछ तुलना हो रही है? अगर राम मंदिर को छोड़ दिया जाए, धारा 370 को छोड़ दिया जाए, या फिर जो सीए वगैरह जो है उसको छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा महंगाई पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, नहीं करते हैं? जो तमाम बातें हो रही है कुल मिला के, तो वही बात हो जा रही है। मोदी भी तो वही बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात करने लगेंगे अब। तेजस्वी ज्यादा मछली खाएंगे तो मछली खा लेंगे, उसको सनातन से जोड़ने लगेंगे, हिंदू मुसलमान करते हैं, हनुमान जी करते हैं, राम जी करते हैं। जो और भी असल मुद्दा है, जो आम आदमी झेलता है, अगर किसी के घर में कोई बीमार होता है और गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित होता है, तो किस दौर से गुजरता है? मध्यम वर्ग भी जमीन तक बिक रहा है लोगों का, भुक्तभोगी है बहुत लोग, जो हम देखते हैं अस्पतालों में जाते हैं। तो अब दवा की कीमत की बात करिए, जो 2014 में दवा की कीमत थी, 2024 में कितनी कीमत हो गई उसी दवा की। आप अस्पताल की बात करिए, कितने अस्पताल बेहतर खुले हैं और क्या हुए हैं, तमाम बातें हुई है। अब भाषण देना है तो हम ही साथ तो मिलाते हैं कि हर हर रोज जो है कितना लाख लोगों को कौन लोन मिल रहा है, और हर हर रोज इतना मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, गिनाते गिनाते तो यहाँ तक गिना देते हैं कि जो नेहरू के समय में जो IIM और एम्स और IIT बना था उसको भी गिना देते हैं कि हमारी सरकार में बनी। तो जो वही कर रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं। भैया आप जमीनी हकीकत की बात करिए ना, धरातल की बात, जो संभव है। आरक्षण ही आप लाइएगा और सीमा तोड़िएगा, जाति गणना करा दीजिएगा, तो बिहार में तो जाति गणना हुई, भाजपा भी उसमें सहभागी थी, जबकि मोदी जी बोलते हैं कि नहीं भाई, हम तो वो नहीं है, हम जाति उति को नहीं मानते हैं, जबकि ये भी कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, हम चाय वाले हैं। तो उसी तरह से बिहार में देखिए, तमाम विरोधों के बावजूद एक तरफ हाईकोर्ट भी गए लोग, सुप्रीम कोर्ट तक गए लोग, वो जातीय गणना को रुकवाने के लिए, उसका रिपोर्ट रुकवाने के लिए। दूसरी ओर यहाँ मदद भी करते रहे, उन्हीं के संयुक्त सरकार में यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था। अब जबकि गणना हो गई, तो जो कहा जा रहा था कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप चुनाव तो अभी चल रहा है, तो बिहार में उस जाति जो गणना हुई और उसके आंकड़े हैं, उस आंकड़े के आधार पर किस दल ने किसको टिकट दिया, क्या किया, और RJD ने ये कितने और मिले? ऐसे भी कि अगर आप मान लीजिए आपके जिन राज्यों में सरकार है क्या वहां पर आपने क्या इस फॉर्मूले को लागू किया, चुनाव जहां कहीं जैसे कर्नाटक में, हाँ, कर्नाटक वही में वही बहुत दिन वही हो हम गए, जहां कहीं भी आपकी सरकार है क्या आपने किया वहां पर? तो वही हम नियत की बात कर रहे हैं कि क्या आप जो आपको ऐसा जहाँ लग है। रहा है, एक आखिरी सवाल, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही विपक्ष और ऐसे ही नेता अगर रहे, राहुल गांधी और उनके सलाहकार यदि मान लेते हैं अभी SM पित्रोदा वगैरह को, और तमाम जो है अगर विपक्षी दल ऐसे ही रहे, इन्हीं तब मुद्दों को फेंकते और उछालते रहे, तो PM मोदी जो है वो सत्ता में लगातार जो है अपनी नहीं, मजबूती बनाते रहेंगे। अरे अरे बेशक, आप देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो राजनीति, एक तो देश में राजनीतिक जो मैंने कहते हैं ना, जो गिरावट की बात है, जो पक्ष विपक्ष की बात है, स्वस्थ तो राजनीति होती नहीं है, स्वस्थ तो बहस नहीं हो रहा है इस देश में, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अब आप देखिए कि पिछले दिनों, और फिल्म अभिनेत्री क्या नाम है, कंगना रनौत,
उनको मंडी से टिकट मिल गया। कांग्रेस की प्रवक्ता होती है, सोशल मीडिया देखती है क्या क्या होता है कांग्रेस का, उसको सुप्रिया त्रिनेत थे, वो पत्रकार भी रही है। अब उन्होंने कंगना रनौत का उनके ट्विटर हैंडल से चल गया फोटो लगा के कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। अरे सोचिए, भाई आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? एक कलाकार जो है, क्या आपके पार्टी से कलाकार नहीं चुनाव लड़े हैं कभी, और आप नहीं लड़ाते रहे हैं? तो ये जो बातें हैं कहने, आप फिर बाद में कहिए कि नहीं कोई दूसरा मेरा ट्विटर हैंडल चला रहा था, तो ये अलग बात। अब आप यही त्रिपोदा को ले लीजिए, ये पहला बार नहीं है। सिख सिख बिरादरी के बारे में एक बार बोल गए थे तो सिख बिरादरी वाले भड़क गए थे, प्रदर्शन कुचला फूकने लगे। ये पुलवामा, पुलवामा पर भी इन्होंने ही बोला था, उसमें जो मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह तो बोले ही बोले थे, इन्होंने भी बोला था, और उसको उल्टा करके। देखिए भावनात्मक रूप से जो बातें होती है, देखिए देश में जाति की जो भी दीवार हो, धर्म की जो भी दीवार हो, हमको सब ये सब कुछ इंदिरा गांधी ने तो विरोध किया था जातिवाद का, खुल करके विरोध किया था। आप उसी जातिवाद के समर्थन की बात कह रहे हैं। नेहरू, पंडित नेहरू ने विरोध किया था जातिवाद को लेकर, कहा था एक समावेशी समाज की कल्पना उन्होंने की थी। अगर भारतीय समाजवाद की सोच ही उनकी थी, भारतीय आजादी और लोकतंत्र में उनकी समाजवादी सोच थी, आप एकदम जातिवाद में पूरे लोकतंत्र को, वो कौन लोकतंत्र होगा? जातिवादी लोकतंत्र देखिए होगा ना, वो वाकई कोई असली लोकतंत्र होगा, देखिए जहां मनुष्य मनुष्य के लिए जो होता है उसकी मानवता जो है सबसे उसका मूल्यवान, अगर कोई मूल कुल होता है तो देखिए होता है। देखिए कुल मिला के कांग्रेस की विडंबना यह है, आज की तारीख में कांग्रेस के जो तमाम मुद्दे थे उसको बीजेपी ने आत्मसात कर लिया, और उसी मुद्दे को लागू करके बड़ी ईमानदारी से, जो आप कह रहे हैं ना कि नेहरू जी जातिवाद समावेशी विकास की बात करते थे, तो जो मोदी बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, क्या हुआ उसको आप परिभाषित करिए। जो आर्थिक उदारीकरण की बात थी, तमाम बातें हुई जो नरसिंह राव के समय में आया, मनमोहन सिंह के समय जो आया, तमाम नीतियों को तो मजबूती से वही बढ़ा रहे हैं। आप जो आधार, यही आधार का विरोध कौन कर रहा था? बीजेपी नहीं कर रही थी? आज के तारीख में क्या हुआ, सबसे मजबूती से वही लागू किया और उसकी फायदे गिना रही है, लोगों को भी समझ में आ रहा है, तो डीबीटी कहा जा रहा है, डायरेक्ट क्या बेनिफिट पहुंच जा रहा है लोगों के पास, तो उसकी नींव किसने रखी? तो तमाम जो जो कुछ अच्छाइयां थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस भुला गई, और जिस कारण से कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंची है जहां उसको अपने वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वो तमाम मुद्दे जिस वजह से इसका वजूद जो है माने खत्म होने की स्थिति में आई, वो मुद्दे जिन लोगों के थे उन्हीं के साथ आज कांग्रेस मिल करके उसी मुद्दे के सहारे अपना फिर वजूद माने वापस पाने की कोशिश में है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या कर और सकते हैं? जाति गणना वाली बात जो आप कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं या कांग्रेस नेता कर रहे हैं, उसमें तो आपकी तो चली नहीं। आप छत्तीसगढ़ में गए चुनाव में गए, आप राजस्थान में गए, आप मध्य प्रदेश में गए, इस बात को तो वहां आप कहीं रहे थे, तो ये तो मुद्दा आपका वहां चला नहीं। तो कम से कम इस लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा वैचारिक मजबूती के साथ आप आते और दूसरे तीसरे ढंग की बातचीत करते तो एकदम पब्लिक को जो कहीं ना कहीं अपील करती। अरे अपील नहीं करती, देखिए आप जमीन पर आज की तारीख में बात करेंगे ना, तो जो भाजपा जो दावा कर रही हो कि हम 400 पार हो रहे हैं, 370 तो तय है सहयोगियों के साथ, हम मोदी जी को, अरे तीसरी बार सरकार बनी है, हम उसको हम खारिज नहीं करने जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों में ऐसा नहीं है कि एक तरफा कुछ नहीं चल रहा है, लोग विकल्प खोज रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, लेकिन वही है कि किसको बोलते, किस मुद्दे के सहारे दे? नहीं होता है कि का कहता है ना कि काना मामा से कौन मामा अच्छा, तो जनता के सामने यह स्थिति है। आप एक विकल्प बताते ना कि भैया वो अडानी को बढ़ा रहे हैं, वो अंबानी को राजा बना रहे हैं, वो खास लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप बताते ना कि हम किन लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, क्या करेंगे, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप यह कैसे कहिएगा कि आपके राज्य में अडानी ना बढ़ेंगे, अंबानी ना बढ़ेंगे? ये अंबानी ना बढ़े तो कोई दूसरे अंबानी आ जाएंगे, कोई कुछ जो इतिहास रहा है भारतीय आजाद भारत का इतिहास है जो अब तक का, तो फिर आप उन मुद्दों पर न ले जाइए जिन मुद्दों से कुछ बनना बिगड़ना नहीं। आज की तारीख में कौन नहीं चाहता है कि उद्योग खुले, कौन नहीं चाहता है कि
कोई बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ जाए, कुछ हो कि हमको रोजगार मिले, काम भी। आज की तारीख में सरकारी नौकरी कहाँ, किसको कितना मिल रहा है, क्या हो रहा है। आप ही जो बात कहे कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जमीन बेच के क्या करके नहीं करके लोन लेके कर्जा लेके, वो कहाँ उस सरकारी नौकरी की प्रत्याशा में बैठे हुए। जाके आप देखिए बंगलोर भरा हुआ है, जाके आप देखिए, आप दक्षिण में जाके देखिए, सब हैदराबाद चेन्नई उन्नई के का जो इलाका है, सब आईटी सेक्टर में सब लोग जा जाके, कौन लोग हैं कहाँ हैं, सब मध्यम वर्ग ही है ना। खास करके हिंदी पट्टी के लोगों को देखिए, वो अब जाति के बारे में नहीं सोच रहा है, वह नहीं सोच रहा है कि हम भूमिहार हैं तो कोई उसको आरक्षण मिल जाएगा तो मेरा हक छीन के ले जाएगा। वह जानता है कि हमने काबिलियत होगी तो हम ले लेंगे, क्योंकि अब आप सरकारें आरक्षण करिएगा, कोई कंपनी खोल के रखा है तो उसको थोड़े कहिएगा कि दौड़ने वाला आदमी उसको चाहिए, उसको एक नहीं, ऐसे आदमी को एक पीटे हुए मुद्दे को, जो आपका मुद्दा चला नहीं, 3 राज्य में, 3 क्या 5 राज्य में चुनाव हुए थे, तो उसमें आपका मुद्दा चला नहीं, और आप उसी मुद्दे को फिर मैंने राष्ट्र स्तरीय, मैंने जो लोकसभा का चुनाव है, संसदीय चुनाव है, आप उस पीटे हुए मुद्दे को चलाना चाह रहे हैं। वही देखिए, घिसी पीटी बातें हो जाती है ना, कि आप जो राहुल गांधी जो इसे वंशवाद पर प्रधानमंत्री जी करते हैं ना, तो आप राहुल गांधी का पूरा पारिवारिक इतिहास खंगालिए शुरू से अब तक। आप जातिवाद के बढ़ावा की बात करते हैं, आपका परिवार किस जातिवाद को बढ़ावा दिया, व्यक्तिगत रूप से दिया, ये घर में ही घुस जाइए उनके, तो समान जाति धर्म की दीवार टूटा हुआ परिवार है, रिश्तों के मामले में, हरेक मामले में, हरेक तरह के मामले में। तो जहां दुनिया इस तरीके से खुली दिख रही, तो घर में भी तो झांक लीजिए ना भैया, आप कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को, ये सवाल तो है ना। तो जनता फिर देखेगी ना, क्या क्या तो हम बोलते लोग रहते आगे हैं। भी इस पर संवाद करेंगे, अभी तो चुनाव में ये सब मुद्दे जो है वो चलेंगे ही, एक तरफ से मुद्दे जो है वो उछाले जाएंगे या दूसरे तरफ वाले लोग उसको रोकेंगे। तो आपने जो समय निकाला उसके लिए आपका आभार। नमस्कार। जी, नमस्ते।